वहीं आज सीएम हेमंत सोरेन दुमका से चाईबासा जाएंगे, जहां वो ऐतिहासिक सिरंगसिया घाटी के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही पोटो होखेल विकास योजना के तहत बने स्टेडियम समेत कई योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे मुख्यमंत्री, सिरंगसिया घाटी के शहीदों को। चाईबासा दौरा भी है आज मुख्यमंत्री का, और यहां पर आकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और इसके साथ ही स्टेडियम समेत कई योजनाओं का उद्घाटन भी करने वाले हैं। सौगात भी मिलने वाली है चाईबासा की जनता को। और ये चाईबासा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आज मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, सिरंगसिया घाटी के शहीदों को पहले श्रद्धांजलि देंगे और इसके साथ ही स्टेडियम समेत कई योजनाओं की सौगात भी देंगे। और इस वक्त हमारे साथ चाईबासा से जुड़े हुए सहयोगी राजेश पति। राजेश, मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, न सिर्फ शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे बल्कि सौगात भी मिलने वाली है यहाँ की जनता को, क्या कुछ तैयारियां फिलहाल? जी, ये बता दो, सिरंगसिया घाटी में जो शहीद हुए थे लोगों को आज मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, जो कि 1838 में यहाँ अंग्रेजी हुकूमत के साथ लड़ते हुए आदिवासी लड़ाकों को फांसी दे दी गई थी, उन्हीं की याद में हर साल यहाँ शहीद दिवस मनाया जाता है। और आज उसी शहीद दिवस में पहली बार सरकार के स्तर से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो ये एक कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा सम्मान देने वाली बात है झारखंड के शहीदों को। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि इसी जगह पर शहीद वीर पोटो हो के नाम से झारखंड सरकार ने खेल विकास योजना की शुरुआत की थी पिछले दिनों, और उसी योजना के तहत यहाँ स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है और झारखंड में पहला पोटो खेल विकास योजना के द्वारा तैयार स्टेडियम का आज मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा मानकी मुंडाओं को नियुक्ति पत्र दी जाएगी, साथ ही कई सरकारी योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन का कार्यक्रम है। तो इसको लेकर के जिला प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही है। हालांकि बहुत कम समय के लिए मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे, दुमका से सीधे चाईबासा आएंगे, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की तैयारी काफी जोर शोर से चल रही है और इस क्षेत्र को काफी योजनाएं मिल सकती है। चलिए, जनता को इंतजार मुख्यमंत्री के आने का। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखियो और भी अपडेट्स लेंगे आपसे।